अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो नीचे जो लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दिखती रहे। इस वीडियो में आपको समय बर्बाद ना करते हुए हम आपको बताएंगे कि आप जो भी चांदी के मूर्ति होती हैं या ब्रेसलेट होती है, चांदी की पायल होती है, उन सबको बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं, उसको चमकदार बना सकते हैं। तो वीडियो देखिए, इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले कोलगेट। कोलगेट लेना है और आप जो ब्रश यूज़ करते हैं उनमें, जैसे आपकी ब्रश आप यूज़ करके उसको छोड़ देते हैं वो वाली ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, नई ब्रश को यूज़ नहीं करिए। और आपकी जैसी इच्छा हो आप किसी ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे नई हो पुरानी हो। आपको ऐसे धीरे धीरे स्क्रब करना है, कोई किसी भी मूर्ति हो या फिर चांदी का सिक्का हो उसमें स्क्रब करना है। अगर हम ये ब्रश का यूज़ करते हैं तो उसमें बारीक से बारीक अंदर जगह ताकि ये कोलगेट वहाँ तक लग जाएगा। बाकी चीज़ों से अगर करते हैं कपड़े वगैरह से तो अंदर तक तो कोलगेट जा नहीं पाएगा, ब्रश से इसलिए यूज़ करना है क्योंकि अंदर तक इसकी सफाई हो सके। और ये जब आपका पूरा कोलगेट लग जाता है पूरी जगह तो इसको 10 मिनट से 15 मिनट तक आप छोड़ सकते हैं। आपको जितना टाइम आप चाहें उतने टाइम तक छोड़ सकते हैं, पर कम से कम आप 10 मिनट या 15 मिनट तक तो उसको कोलगेट को लगे रहने दीजिए। अब आप देखिए, केवल पेस्ट से ही आपका चांदी के जो भी बर्तन होंगे, मूर्ति होगी, वो देखिए ऐसे चमक जाएंगे। अब इसे आप नॉर्मल पानी से धुल सकते हैं। धुलने के बाद अब आप देखिए कि ये साफ़ होता है या नहीं। कोई भी अगर मूर्ति होती है, ब्रेसलेट होती है, पायल होती है, तो वो क्या डिज़ाइन जो बने रहते हैं इसमें तो बहुत छोटी छोटी जगह भी होती है जहाँ पे कालापन आ जाता है, जैसे कि कभी पानी के संपर्क में या फिर हवा के संपर्क में आने से कालापन पड़ता है। जहाँ का पानी खारा रहता है वहाँ ज़्यादातर ऐसा होता है कि कालापन आ जाता है। और इसको आप ब्रेसलेट हो कुछ भी हो आसानी से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग साफ़ करने के लिए इसको केमिकल में, एसिड वगैरह में भी डाल के धुलते हैं। पर आप ऐसा ना करिए, क्योंकि ब्रेसलेट वगैरह तो आप धुल सकते हैं पर ये भगवान की अगर मूर्ति है तो चाहे जिस चीज़ से तो हम धुल नहीं सकते हैं, इसलिए आप कोलगेट का ही यूज़ करिएगा। कभी किसी प्रकार की एसिड वगैरह का यूज़ मत करिएगा। बाकी चीज़ों में आपको करना हो तो आपकी मर्ज़ी, पर भगवान में मत करिएगा। इसको सिंपल पानी से बस धुल दिए हैं, और क्योंकि भगवान की पूजा होती है इसको गर्म पानी में भी नहीं डालना है। तो कैसी लगी आपकी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको लाल बटन दिखेगी, सब्सक्राइब में क्लिक करना है, बगल में घंटी दिखाई देगी उसमें क्लिक करेंगे, ऑल में सेलेक्ट कर देंगे तो आपके सामने हमारी जितनी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे हमारी वीडियो। और ये रहे कुछ कमेंट जो हमारी पिछली वीडियो में आपके द्वारा किए गए थे। आप जो भी कमेंट करते हैं हमारी वीडियो में, आप एक प्यारा सा कमेंट करिए, आपका भी कमेंट आपके नाम के साथ लास्ट में वीडियो में दिखाया जाएगा। ये रहे कुछ कमेंट जो हमारी पिछली वीडियो में आपके द्वारा किए गए थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।